लालू जिसे बाबा नहीं मानते हैं, लालू जिसे संत नहीं मानते हैं, तेज प्रताप उसे देशद्रोही बता रहे हैं। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह तो मदारी बता रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं बाबा बागेश्वर की, वो तस्वीरें देखकर आप खुद सोचने पर विवश हो जाएंगे कि जिस दरबार में हाजिरी लगाने से बिहार के डिप्टी सीएम और आरजेडी के नंबर दो के नेता तेजस्वी यादव किनारा कर रहे हैं, उसी दरबार में आरजेडी के विधायक के बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री के साथ हाजिरी लगाते हुए दिख रही हैं। ये तस्वीरें आपने देखी, ये तस्वीरें जरा गौर से देखिए। ये आरजेडी की विधायक हैं नीलम देवी, मोकामा से विधायक हैं आरजेडी के, बाहुबली छोटे सरकार की पत्नी नीलम देवी हैं। आनंद सिंह जेल में बंद हैं और ये उनकी पत्नी हैं। बाबा बागेश्वर के दरबार में एक घंटा से ज़्यादा इन्होंने हाजिरी लगाई। जो जानकारी निकल के सामने आ रही है उसके अनुसार ये अपनी पारी का इंतज़ार करते रही। बाबा ने देर से इनको नोटिस लिया, बाबा ने इनकी फरियादें भी सुनी। अपने पति पूर्व विधायक बाहुबली, पूर्व विधायक छोटे सरकार आनंद सिंह की जेल से रिहाई के लिए, जेल से कब रिहा होंगे आनंद सिंह, जल्द से जल्द रिहाई हो, अपने परिवार की तरक्की, परेशानियों से जो कानूनी परेशानी आनंद सिंह का परिवार जूझ रहा है, इन तमाम समस्याओं से निजात पाने के लिए बाबा बागेश्वर धाम के स्वामी पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के दरबार में आरजेडी की विधायक हाजिरी लगाने पहुंची थी। हालांकि ये कोई पहली राजनीतिक व्यक्ति नहीं है जो बागेश्वर धाम सरकार के स्वामी के दरबार में हाजिरी लगाई है। सत्ता हो या विपक्ष, हर कोई, कोई कैमरे के सामने तो कोई कैमरे के पीछे, छुप छुपा के बागेश्वर धाम के सरकार के यहाँ हाजिरी लगा रहा है। ये वीडियो देखिए, ये वीडियो इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि जो लोग धाम में गए थे उनके मोबाइल पहले ही रखवा लिया जाता है कि आप वीडियो नहीं बना सकते हैं। लेकिन भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह के दरबार में पहुंचने, आशीर्वाद लेने के दौरान एक वीडियो क्लिप वायरल हो रहा तेजी से, और इस वीडियो क्लिप में जमीन पर बैठी ये आरजेडी की विधायक नीलम देवी का वीडियो सामने आया। दावा किया जा रहा है कि आरजेडी की विधायक हैं जो बाबा बागेश्वर के दरबार में हाजिरी लगा रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल कि जिस शख्स ने वीडियो बनाया और जो लोग अंदर मौजूद हैं उनसे जब हमने टटोलने की कोशिश की कि आरजेडी की विधायक क्यों पहुंची थी, तब उन्होंने बताया कि काफ़ी देर तक वो बैठी रही। जब बीजेपी सांसद और जो केंद्र में मंत्री हैं अश्विनी चौबे बाबा बागेश्वर के पास मौजूद थे, बैठे थे, जैसे ही वो वहाँ से उठे आरजेडी की विधायक नीलम देवी बाबा के पास पहुँची और अपनी फरियादें सुना दी, दर्शन किया, आशीर्वाद लिया, आनंद सिंह की रिहाई पर बातचीत भी हुई। बाबा ने कहा कि सब ठीक होगा, जल्द ही अच्छी खबर आने वाली है। उम्मीद के साथ नीलम देवी तो लौट गई, लेकिन यह तस्वीरें पीछे छूट गया जो अब बिहार की सियासत में सवाल खड़ा कर रहा है। जिस पार्टी के नेता बाबा को इनकार करते हैं मानने से, जिस पार्टी के नेता डुगडुगी और मदारी बता रहे हैं, जिस पार्टी के नेता और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव दरबार में हाजिरी लगाने से इनकार कर चुके हैं, उसी पार्टी के बाहुबली विधायक की पत्नी वर्तमान में विधायक हैं वो दरबार में हाजिरी लगा रही हैं। अब सवाल है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो अपने ही नेताओं से पूछें कि क्या बाबा के दरबार में सच में तिलिस्म है, दिव्य दर्शन होता है, या फिर बाबा मदारी बन जाते हैं, तो बाबा के इस मदारी वाले दरबार में इनके नेता क्यों हाजिरी लगाते हैं। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली रांची। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया।
अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।